किसी को ज्ञान का उपदेश देने वाले, शांति का उपदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। नव जागरण के अग्रदूत ज्योतिबा फुले जी, भारत की पहली महिला शिक्षिका ज्योति सावित्रीबाई फुले जी, विश्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हम सब की माता रमाबाई अम्बेडकर जी, हमारी पूरी परंपरा जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के साथ साथ नमन करती हूँ। महादलित परिसंघ के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई बबन रावत जी, महासचिव भाई चंदन वाल्मीकि जी, सभागार में उपस्थित और मंचासीन मेरे बुजुर्गों भाई और बहन, मैं आभारी हूँ भाई साहब का जिन्होंने मुझे आप सबके सामने बात करने का मौका दिया। और मैं आज खुल के चर्चा करना चाहती हूँ, भाषण आज देने के मूड में बिल्कुल नहीं। हम भाषणबाजी ज़्यादा करते हैं और खासकर जो पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी जिसको हम कहेंगे, वो कम से कम भाषण देना तो सीख ही जाता है, ये मेरा मानना है। आप इससे मुझे सहमत है असहमत हो सकते हैं, क्योंकि हम तरीके सीख चुके होते हैं कि हमें किस जगह पे क्या बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने से पहले मैं दो तीन चीज़ें ज़रूर अपनी बातचीत करने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, फ़ोन आए, व्हाट्सएप आया, मेल आया कि आपको महादलित परिसंघ के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। कुछ सहमतियाँ थी, कुछ असहमतियाँ थी। असहमति के साथ मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे और जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये था कि महादलित परिसंघ एक ऐसे समुदाय के द्वारा रचित है जो कम से कम दलितों का हिमायती उसको हम नहीं कह सकते। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे थोड़ी सी सफाई देते हुए अपने आप को, मतलब सफाई देने की हम कोशिश करते हैं ना, मानव है, सफाई देने की आदत होती है। मैंने उनको कहा कि महादलित परिसंघ मुझे लगता है जिस बुनियाद के ऊपर खड़ा किया गया है उस बुनियाद में कमी नहीं है, आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं जानती। और क्योंकि सीधे रूप से भी जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन जितना देखा है, बबन रावत जी के व्यक्तित्व को जाना है, उससे कम से कम अभी वर्तमान में ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम उस समुदाय का जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हुए, समाज को तोड़ने वाले की बात करते हुए या दलितों को बांटने की बात करते हुए या एक तरह से पिछलगु बनने की जो भाषा जो आप शब्दावली प्रयोग करते हैं, उन सबका मुझे नहीं लगता उसमें एक भी ऐसा एकमात्र अंश है। और मैं कम से कम अपने आप को ये विश्वास दिला सकती हूँ मेरे समाज को कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखती, किसी भी संगठन से मेरा सीधा संबंध नहीं है। सीधा मतलब उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो गवर्निंग बॉडी होती है आप जानते हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुझे खुशी होती है कि मैं जब सामाजिक कार्यकर्ता कहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ पढ़ने पढ़ाने का पेशा है और इतिहास गवाह रहा है जब जब समाज में परिवर्तन हुआ है